मतलब डेयरियों के लिए भी कोई क्षेत्र होगा स्मार्ट सिटी सब कुछ जमीन रिक्वायर कर रहे हैं, तो जब शहर से डेयरी को आप बाहर करना चाहते हैं तो कम से 10-20 एकड़ जो जमीन सरकारी पड़ी है वहाँ गोपाल नगर बना करके हमको भी दे दिया जाए, मतलब 500x500 या क्यों 100x100 ऐसा करा के प्लॉट जैसे लेता लाइसेंस कैसे स्मार्ट सिटी को देखते हैं सरकारी जमीन पड़ी भी है लोगों के पास, बहुत सरकारी जमीन पड़ी है, अगर शहर के वास्तव में आप चाहते हैं शहर से डेयरी जाए वहाँ उनके लिए एक व्यवस्था और दूसरा इनका रजिस्ट्रेशन नगर निगम की तरफ से पुनः चालू किया जाए। कहाँ हो रहा है चालू कर लिया जाए, ये आज हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं सांकेतिक रूप में, नहीं हमको दूध ला करके सुनिए दूध वालों को ला करके यहाँ बैठना पड़े है ना, पूरी चाय आपके घर की बंद हो जाएगी सारे दूध वाले आ जाएंगे हमारे साथ मानते हैं ठीक सर। ये हमारे जिला डेयरी संघ के अध्यक्ष हैं गोपी भाई, हमारे यहाँ जो शहर में डेयरियां संचालित है ये अजय शर्मा जी उपाध्यक्ष हैं जी, तो ये यहाँ पे दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं जिससे लोगों को शुद्ध दूध मिल सके, लेकिन गंदगी को देखते हुए प्रशासन 15-16 से जो शुल्क लेते रहे रजिस्ट्रेशन शुल्क वो बंद किए हुए नगर निगम, तो इससे जो सिटी से लगी कोई जमीन जो हो जहाँ प्रशासन उचित समझे तो हम लोग को व्यवस्थापन कर दे तो हम लोग जाने को तैयार है और शुल्क लेता रहे। शहर के बाहर जो जमीन सरकारी पड़ी हुई है अगर शहर चाहता है कि गंदगी ना हो तो एक दुग्ध विक्रेताओं को और जो पशुपालक है सुनिए तो मंडी बनाई जाए, इसकी मांग को लेकर अभी हम लोग सांकेतिक रूप में ज्ञापन दे रहे हैं शासन प्रशासन को, कल हमें आंदोलन प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो अगर भैंस गाय लेके भी करना पड़ेगा दूध वालों को तो लेके करेंगे तत्काल। हमारी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है आप उसमें एक सहायता दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि शहर बहुत सुंदर बने इसलिए हम लोग की एक व्यवस्था अलग से की जाए, जब केंद्र सरकार 20 योजना चला रही पशुपालकों के लिए जिस प्रकार से खोआ मंडी सब्जी मंडी दूध मंडी है तो इसी प्रकार से गल्ला मंडी है तो दूध मंडी के भी स्थान नियुक्त किए कि लोग जाते हैं दूध लेके गाँव से उनको बेचने में दिक्कत न हो।